फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, आज आप लोगों का एक अच्छा प्राचीन मंदिर आप लोगों का घुमाने वाला हूँ, अमरनाथ मंदिर, जो कि पुराना और प्राचीन मंदिर है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में बन रही है आप लोग। ये आ चुके हैं अमरनाथ, जो कि यहाँ पर अमरनाथ मंदिर दिख रहा होगा बहुत ही, और अंदर में आप लोगों को जाएंगे तो दिखलाएंगे। बहुत ही मशहूर ये मंदिर है, बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आने पर घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ज़रूर आप लोग आइए, जो कि यह कल्याण में, मुंबई कल्याण ऐसे अमरनाथ है, यहाँ पर पड़ता है। तो ये मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर घूमने लगता है, बहुत ही ये यहाँ पर प्राचीन मंदिर है। तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेशन से आइएगा तो 2 से 2.5 किलोमीटर आपको दूर पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आने पर। तो अब जाएंगे, अब जैसे ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद देखिए बगल में भी पहाड़ है, बहुत ही दूर दूर से पहाड़ इसमें लगा हुआ है, अभी पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। तो चलिए गाइस, आगे आप लोग को दिखा दूँ। तो गाइस, आप लोग ये यहाँ पर आने को बहुत ही मज़ा आएगा, तो आप लोग जरूर आइए। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में स्थापना किया गया था। ये लगभग स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि इस मंदिर का आविष्कार किया गया था 1060 ईस्वी। तो आप लोगों को यहाँ आने को बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ज़रूर आप आइए अमरनाथ, जैसे कि आप लोगों को पड़ेगा यहाँ अमरनाथ स्टेशन, जो कि कल्याण से आइएगा तो वहाँ पर अमरनाथ स्टेशन पर रुकिएगा। उसके बाद ऑटो से 1.5 से 2 किलोमीटर है, आप लोग पैदल भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है, जो कि अमरनाथ शंकर जी का है। तो बहुत ही अच्छा, इधर भी पार्क भी है बहुत ही, देखिए अभी तो पार्क इधर में लगा हुआ है, इधर फील्ड है, इधर में आप लोगों को देखे बाइक में फील्ड दिखने को मिलेगा। तो बहुत ही मतलब कि अच्छा यहाँ जगह है, फेमस जगह है, बहुत ही प्राचीन जगह है। तो देखिए यहाँ पर कुछ अलग दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत ही मतलब अति सुंदर देखने को मिलेगा। बहुत ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं, घूम रहे हैं, दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का प्राचीन, ये सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि बहुत ही यहाँ पर आने पर सभी श्रद्धालुओं को मन की कामनाएँ पूरी होती है। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए, तब आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। इधर में आप लोगों को देख सकते हैं, इधर पार्किंग का व्यवस्था किया गया है। तो गाइस, हम नीचे उतर चुके हैं, तो मतलब देख सकते हैं अभी पीछे में, तो अभी अंदर में आप लोगों को जाएंगे तो दिखलाएंगे। बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है, अभी तो बहुत धूप कर्कश लगा हुआ है, यहाँ पर नंगे पैर आना है क्योंकि बहुत ही जल रहा है। जैसे कि इधर पत्थर है ना, पत्थर तो बहुत ही जल रहा है, तो आप लोगों को अंदर में बहुत ही दिखलाएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, चले आप लोगों को दिखलाते हैं। बहुत ही यहाँ पर आने को बहुत ही अच्छा बराबर फील हो रहा है कि हाँ, इस जगह घूमने लायक है। तो चलिए अंदर में आप लोगों को दिखलाते हैं, बहुत ही अच्छा तरीके से बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, बहुत ही अच्छा खासा ये मंदिर है। तो चलिए दिखलाते हैं बैक कैमरा से आप लोगों को। बहुत ही यहाँ कहा जाए कि बहुत ही भीड़ लगता है, अभी तो अभी दोपहर का समय है, इसके वजह से थोड़ा भीड़ कब देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग इस तरह देख सकते हैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखलाते हैं। तो गाइस, ये मंदिर दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मंदिर अमरनाथ मंदिर, ये शिव मंदिर 11वीं शताब्दी में इसका स्थापना हुआ था, ईस्वी 1060 ईस्वी में किया गया था, जिसे पत्थर के खूबसूरती से इसे संभवतः शिला राजा ने चित्तराज ने बनाया था, जो कि पुनर्निर्माण के उत्तर भूमि ने कराया था, जो कि आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि हाँ, हजारों देवी देवताओं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर शिव जी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ बजरंग बली। तो आप लोग इसमें इतना हजारों देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है, आप इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं।
तो अभी आगे बन रही है और आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। बहुत ही खूबसूरती द्वारा दर्शाया गया पुराना पुराना प्राचीन देवी देवताओं के द्वारा। गाइस यहाँ फोटो लेना मना है क्योंकि फोटो आप लोग को अंदर में लेने के लिए अलाउ नहीं दिया गया है। तो यहाँ से ये प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से प्रवेश होंगे आप, तो एंट्री करके आप लोग दर्शन।